गांव ढांड से वृद्ध महिला गायब, पुलिस ने किया गुमशुदगी का मामला दर्ज। गांव ढांड से एक वृद्ध महिला कहीं गायब हो गई, जिसकी मिली शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मंगलवार को मिली जानकारी अनुसार गांव ढांड निवासी अशोक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 70 वर्षीय माता संध्या देवी कि दिमाग के हालात ठीक नहीं हैं, जो अचानक उन्हें बिना बताए कहीं चली गई। उसने कहा कि पहले भी एक दो बार ऐसे जा चुकी है, तब वे लौट आई थी, लेकिन अब वे 1 जुलाई से घर से गई हुई हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, जिस पर पुलिस ने अब गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं आमजन से आह्वान किया है कि इस संबंध में कोई जानकारी मिले तो वे भट्टुकला थाना के फोन नंबर 01667252252 पर सूचित करें, अन्यथा उनके बेटे अशोक के नंबर 94163560026 पर सूचित कर सकते हैं, ताकि उक्त वृद्ध महिला को शायद कुशल परिवार से मिलाया जा सके। भट्टुकला रेलवे स्टेशन पर चलाया पौधारोपण अभियान। भट्टुकला रेलवे स्टेशन पर माल बाबू सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पर्यावरण प्रेमी जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बाल सिंह जांगड़ा, सुरेंद्र सोलंकी व भूप सिंह सेन ने पौधारोपण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि हमें अब बरसाती मौसम में अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा में अहम योगदान देना चाहिए। इस मौसम में लगाए गए पौधे आसानी से लग जाते हैं, जिनकी हमें जब तक वे वटवृक्ष न बन जाए उनकी देखभाल करते रहना चाहिए, तभी हमारा पौधारोपण अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें ग्रामीणों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि यह मुहिम और मजबूत हो। माल बाबू सुरेंद्र सिंह ने इस कार्य में लगे इस सभी सदस्यों को सराहना की और इस अवसर पर अनेक लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्य पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, और आज के युग में पौधारोपण अभियान ही पर्यावरण सुरक्षा में अहम भूमिका अदा कर सकता है। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। गांव किरढ़ाण में चबूतरा बनाने को लेकर दो पक्ष भिड़े, 3 घायल। गांव किरढ़ाण में चबूतरा बनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मंगलवार को मिली जानकारी अनुसार प्रथम पक्ष में घायल अमित ने आरोप लगाया कि उसे व उसके चाचा राम प्रताप को चबूतरे को लेकर हुए झगड़े में किशन, सोनू, भागीरथ व 3 महिलाओं ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष में घायल भगवान दास ने आरोप लगाया कि उन्हें अमित, पवन, राम प्रताप, विकास, सतवीर व 3 महिलाओं ने हमला बोल घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों तरफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव सेखुपर दड़ोली में हल्ला गुल्ला करने पर पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। गांव सेखुपर दड़ोली में हल्ला गुल्ला करने पर पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया व बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मंगलवार को मिली जानकारी अनुसार आरोप है कि सेखुपर दड़ोली में चबरवाल रोड पर सेखुपर दड़ोली निवासी प्रहलाद, सतवीर, जयपाल, धोलूराम, संजय व पवन काफी हल्ला गुल्ला कर रहे थे। पुलिस ने सूचना पर आरोपियों को काबू कर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इनमें से कुछ लोगों के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। पुलिस ने आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया।